शरीफ भाई शुरू कर दे अपन। हाँ अपने छात्रों का मुन्ना सर का तशरीफ लाइए आप। सलीम भाई आइए। हमारे मुन्ना भाई ये देवास के नए बकरेबाज दोस्तों से जिन्होंने हमें एक छोटे से रास्ते से बड़ा रास्ता बताया है। ये हमारे मुन्ना उस्ताद आ रहा, देखिए आप ये बहुत ही बेहतरीन बकरेबाज दोस्तों। हमारे ये शरीफ भाई मैडम उनका बकरा है। ये भोपाल से आया बकरा कूलर में कर लो भाई, बकरे को सुकून से खड़ा कर लो। और ये नमक की थैली से इस कांटे का वजन कर रहा है साहब। आसिफ भाई आ जाओ। एक सौ 140 किलो का है बकरा। ये हमारे गाइस की तरफ बिल्कुल आता हुआ देखिए बकरा, और आप बिल्कुल उसका नाम बना कर रखो। और बकरे का जब बकरा का जब वजन निकले पटारी से बकरे का, जब बकरे का वजन निकले अभी ये लाया देखिए बिल्कुल हमारे करीब आते है। ये हमारे बिल्कुल करीब टाइम के बिल्कुल करीब आते है। भाई चलो अरे काटा उधर एक सेकेंड। आराम से भैया, कोई जल्दी नहीं है भाई साहब।
आराम से, कोई जल्दी नहीं, भाई कोई जल्दी नहीं, आराम से,
छियालीस किलो है, 146 किलो, 46 किलो बकरा निकला, 53 किलो निकला था, ये 53 किलो बकरा, 53 किलो बकरे का बकरा निकला, 53 डाली बनाई है आरी भाई का बकरा का, 53 किलो, हाय 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 हाय, गलती वाला बकरा गलती के पास गया, ले गोल्ला, ये बाहर देखा, हमारे साजिद भाई कह रहे हैं उज्जैन वाले के कॉफी को हटा दो भाई साहब, हमारे साजिद भाई उज्जैन हो रहा है, वो गंदा है तो उनको दिख नहीं गया, आप थोड़ा पति खड़ी होने लगे हो ये 107 किलो, 107 किलो, ये 107 किलो वजन बना था ना उन्होंने, इस बकरे का वजन शरीफ भाई, अरे शरीफ भाई कहाँ शरीफ भाई, ये बेटा हाथ आता एक सौ चौपन 107 किलो का है, 47 किलो, तालियां बजाइए, 47 किलो वजन में डाला बकरे का था, बहुत बेहतरीन, अखिल भाई, और पहली बार ही खस्सी बकरा पाला है भोपाल में, नर बकरे के शौकीन है, बाकी अल्लाह का शुक्र है उन्होंने खस्सी बकरा पाला, और ये लेके आए इनका बहुत एहसान है अपने ऊपर, बहुत बड़ी बात है कि भोपाल से बकरा लाना और दो ही चक्कर लाना, नहीं तो आदमी ब्याह उनने क्या यार मैं सारों में खोल लिया के तोड़ ले रहे, पहली चक्कर तोड़ लिया था हमने तोले, तो इसको बोलते हैं हौसला, वो भले भजन कुछ भी बड़ा हो यहाँ मैदान में तोड़ दिया बकरा ये लाने के, बहुत बड़ी बात है, 43 किलो वजन बढ़ाया उन्होंने, और कम नहीं होता वजन, और आदमी क्या है क्या वो नर पालते हैं भैया, उन्होंने खस्सी पालते हैं, बहुत बड़ी बात, बाकी इन्होंने बकरा बेच दिया है, बकरा इनका वजन भले यहाँ तुला नहीं है, बाकी मेरा तुला हुआ है, मेरा देखा हुआ 180 किलो बकरा है, अभी मुतलिफ भाई का भैया भाई इस्तकबाल करेंगे और इनको शील्ड देंगे, जेठ भाई भी आए भाई स्टेज पे, जेठ भाई इंदौर से स्टेज पे आए, जेठ भाई ये ठंड लंबा है और सेकंड है, सुल्तान भाई आए हुए दिल्ली से बकरे वाले, वो स्टेज पे आ जाए भाई, हम तुम्हारा भैया चीनी से इंतजार कर रहा हूँ, तुम्हारा आ रहा लेट यार, सुल्तान भाई स्टेज पे आए सुल्तान भाई दिल्ली वाले, नहीं वो फिर बात नहीं, हाँ वाला इनाम भी बड़ा इनाम भी दे दो साहब इनको, तीसरे नंबर का इनाम, ये जो हमारे भाई को जो आरिफ साहब को जो इनाम मिल रहा है तीसरे नंबर का इनाम दोस्तों, ये हमारे ये तालियां से आप यहाँ पे देखिए सब बंदरों के बीच में है, तीसरे नंबर का हमारे हरी भाई भी आ जाए यहाँ पर, ये देखिए ये तीसरा नंबर का हरी भाई हमारे मुर्तजा भाई जी, ये बिल्कुल इसके जवाबदार लोग हैं साहब, ये सम्मेलन में जो इन्होंने तीसरे नंबर पर लाए हैं ये बहुत जवाबदार लोगों के बीच में सरपरस्ते थे, ये इनाम तीसरे नंबर पर देखिए आप, कांटे पे तुला बकरा बहुत अच्छे, अब हमारी तरफ से इस्तकबाल किया जाएगा दोस्तों, ये हमारे सुल्तान भाई आए हैं दिल्ली से, उनका उनका यहाँ पर इस्तकबाल किया जाएगा, बहुत अच्छी बकरेबाजी करते हैं दिल्ली के अंदर में शरीफ भाई, मैंने भी सुना है कि बहुत अच्छी बकरेबाजी है इनकी दिल्ली में, हमारे मुन्ना भाई आप यहाँ पर
छाता बांध के इस्तकबाल करेंगे मुन्ना उस्ताद बेवास। आइए बिल्कुल आइए। हाँ भाई देखिए कि फिर सुनाता हूँ कि घुटन बढ़ने का खतरा हो, सुनिए दोस्तों, घुटन बढ़ने का खतरा हो। हाँ अशोक भाई, घुटन बढ़ने का खतरा हो तो दर खोला नहीं जाता, घुटन बढ़ने का खतरा हो तो दर खोला नहीं जाता। जहाँ पे खामोश रहना है वहाँ बोला नहीं जाता। वो तू कैसे बचेगी ये सात पकड़ेबाजी की? अरे तुझे पकड़ नहीं जाता, मुझे तोड़ा नहीं जाता। हमारे भाई का दिल्ली वालों का इस्तकबाल हो गया दोस्तों। ये देखिए आप बहुत दूर से हमारे बीच में आए हैं मऊ में, ये दिल्ली से आए, बहुत बड़ी बात है दोस्तों। हमारे दूर दूर से यहाँ पे मेहमान आए हैं। भाई देखो इस शो का आपने जो हमारे सीनियर खिलाड़ी हैं उन्होंने उसको उस मंच तक पहुँचाया, आगे तक पहुँचाया, उसको सीरियस होकर शो को करें। और ये शो माशाल्लाह बहुत बढ़िया शो है, हमारे नदी में कराया, और तुम भी सीरियस होकर करो, कामयाबी मिलेगी, तरक्की मिलेगी। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया भाई। मैं क्या कर रहा हूँ, तीसरा इनाम लेके भग रहा हूँ, चेक पाओ भाई। भैयान भी चेक पा जाए, सेकंड इनाम दिया जाएगा आपको। ये फर्स्ट इनाम तरीपुर का सांपे से इस्तेमाल, ये सिप्पू भाई की तरफ से एक कप्तानी है, ये अलग से सांपे बांधा। अच्छा, स्टेज पे से भीड़ हटा ली जाए। आरिफ मास्टर स्टेज पे जाओ, बच्चा आ जाता, अर्जेंट जरूरत है। ये भैया भाई के चाले मत लगो, ये तुम्हें छोड़ेगा नहीं। बकरा अकेला बकरा, अरे फैजान तू पीछे हो, पीछे पीछे हो तू, भाई इसको पीछे करो, फैजान को बकरे के पीछे हो, बकरा दिखने दे, बकरा दिखने दो भाई। कंजूसी कर गए थोड़ी सी सिप्पू भाई, खर्चा करके इंदौर में बांधना था सांपा, ठीक है। अरे के पुचाल तो पका खाली हो, अबे तुम दोनों जाओ ना, वो करेंगे पीछे। बनावट वाला हमने यहाँ पे घोषणा और करी थी मऊ के अंदर, जिसका बकरा बनावट पाएगा उसको भी सिल्ली देंगे। ये तीनों का इस्तकबाल करना है, ये जो है बड़ा बड़ा काम करें साहब। और अभी भी जो है गुल्लू भाई बकरा खरीद रहा है, अखिल भाई गाँव का अशोक नहीं करना इस्तकबाल। अरे नहीं करे, मेरे केले कर दिया था उसका इस्तकबाल, अशोक का इस्तकबाल केले कर दिया था आपका, घड़ी घड़ी करें क्या? अरे मैं तो फर्स्ट मंडी
बकरे की मुंडी दिखना तो बकरे की मुंडी दिखने दो भाई एक सेकेंड आप करो कंटिन्यू ऊपर मेरी उस्ताद दो शब्द कंपटीशन के लिए दो शब्द कंपटीशन के लिए और इस बकरे के लिए क्या कहना चाहेंगे अस्सलाम वालेकुम ये बकरे के लिए क्या बोलूं बकरा तो सब जनता देख रही है भाई जी। और मेरा वही बोल है बोल के नहीं तोल के ये सामने तुला है सामने और ये मेहनत पूरी रिहान भाई की है इसमें रिहान भाई की मेहनत रिहान राजा फैजान जी बोल रहे चार ही बच्चों की मेहनत है फर्स्ट और सेकंड दोनों आप ही को मिले नहीं वो भी अपना भाई है उस्ताद का कहना है कि सारे जितने भी कंपटीशन में आए थे सब जीते हैं सबकी जीते हैं किसी की छोड़ बड़ी नहीं है ये सब जीते हैं माशाल्लाह और कंपटीशन भी बहुत सक्सेस आएंगे इस कंपटीशन में सब भाइयों का बकरा जीते माशाल्लाह सबका जीता हां